राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डॉक्टर बनने से पहले हमें एक शपथ लेनी पड़ती है, हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं उसे। कुछ कसमें हैं जैसे हमेशा सच का साथ देंगे, हर जिंदगी को कीमती मानकर उसका आदर करेंगे, अपने पेशेंट को अपने आप से भी ज्यादा अहम मानेंगे। कसमें खाना तो आसान है लेकिन उन कसमों को निभाना उतना ही मुश्किल। और इसी दोहराहे पर हमारी कहानी शुरू होती है। डॉक्टर अस्थाना देश के सबसे जाने माने बेहतरीन जनरल सर्जन थे, लोग उन्हें गॉड ऑफ सर्जरी कहते और मैं उन्हें अपना गुरु मानता था। और उन्हीं से सर्जरी सीखने के लिए मैं शेखावत जनरल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। खबर लेने पूरा मीडिया टूट पड़ा है। He's लक्ष्मण गगल। गगल? वो जो टॉप 100 बिजनेस टाइकून्स में से एक है, वो गगल? Yes. क्या उसे हुआ क्या है? Accident. What the hell is happening here? This is not a goddamn circus. Hey, चलो पीछे। Get over to Pratap, Dr. Ria. Yes, sir. You'll be with the patient, Dr. Ramesh. Sir. Hi doctor, my name is Amit Gagal. That's my father. Amit Gagal, तीन बातें। अपनी फैमिली को मुझसे दूर रखेगा, बार बार मुझसे पेशेंट का हाल मत पूछना, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। And thirdly, I'm the best. तुम्हारे फादर को मेरे अलावा और कोई बचा नहीं सकता। Is that clear? Doctor. Out. Heart rate is going down. Sir, it's dropped to 60. BP level? Sir, 90 systolic. Sister, get me dopamine drip fast. Doctor, he's sinking. Just 5 minutes down. I'm almost done. Sir, heart rate is dropped to 40. Intracardial adrenaline. Dr. Ramesh. Yes, sir. Nurse quickly. Sir. Jab it between 3rd and 4th rib. Sir, see the heart mein. Jab it now. We're losing him. Come on. सोच क्या रहे हो, जैब इट नाउ, कम ऑन, जैब। इसको ऑपरेशन थिएटर में किसने आने दिया? जैब इट।
Give it to me. Now get out. His BP has gone down to 55. Atropine 1 ampule. His BP is going down, doctor. BP kam ho raha hai. Atropine 1 ampule, nurse. Come on. Quick, sister. Heart rate is down to 20, sir. Pulse is down. Doctor, bradycardia. Nurse, defibrillator. Charge to 200. Charged. Hold on. Mr. Gagal had multiple rib fractures and ruptured spleen. Operation kamyab raha. Filhal wo ICU mein hai. Under observation. Jaldi theek ho jayenge. Thank you. Sir, aaj OT mein jo hua uske liye I'm very sorry. Tum Mr. Gagal ke saath ICU mein rehna. अगर कोई इमरजेंसी हुई तो कोड ब्लू बटन दबा देना। यस सर। तुम एक इंजेक्शन तो लगा नहीं पाए। आई होप एक बटन दबा लोगे। सर, आई एम तुम सोई नहीं अभी तक? सुबह के 6:30 बज चुके हैं। सिडनी में 11 बज रहे हैं। लाइव मैच है। हाउ कैन आई स्लीप? अचानक क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट आ गया? सम क्यूट न्यू क्रिकेटर? जस्ट यू। Okay, अभी भी अब I know you're upset that I'm upset, but डॉक्टर स्थाना ने जो कहा वो सच ही तो था. I did freeze. पता नहीं क्या हो गया था मुझे यार. Shh, it's okay. Happens. हमारी पहली सर्जरी थी ना, और इस सिचुएशन में तो बड़े बड़ों के हाथ कांप जाते हैं. इसीलिए तो हम इंटर्न्स हैं, ताकि हम इस तरह की सिचुएशंस प्रेशर्स का सामना कर सकें. और वैसे भी किसी की लंग्स में इतनी जोर से इंजेक्शन लगाना आसान थोड़ी होता है, स्पेशली अगर वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो. मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ और एक बुरा डॉक्टर? एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है. वैसे अच्छे इंसान, अच्छे डॉक्टर, अच्छे लवर भी तो बन के दिखाओ. खाना खा लिया? हाँ. पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. रिया, यार मेरी अंडरवेयर कहाँ है? सुनो रिया, अरे बताओ ना. पापा कॉल यू बैक, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. हेलो रमेश जी, क्या कर रहे हो तुम? पापा का फोन था, उनको थोड़ी पता है कि हम साथ में रहते हैं. या छोटे शहर की लड़की हूँ, फिरंग नहीं. अच्छा ठीक है, पर मेरे अंडरवेयर कहाँ छुपाए तुमने? यहाँ छुपाए. ये सब हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितने की क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर. अगर डॉक्टर अस्थाना हमारे साथ ना होते तो हमें अपने बच्चों के नए पेडियाट्रिक वार्ड के लिए फंड्स ही ना मिलते. और अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अस्थाना आपसे दो बातें करें. अब हम क्या कहें, इन्होंने हमें तेंदुलकर बना दिया है. पर ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस हॉस्पिटल के लिए जितने कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए BCCI. ना तो हम इनके साथ जी सकते हैं, ना इनके बिना जी सकते. Yes. Hello. Hi doctor. Doctor, this is my son Ankur. कल रात से इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है. पता नहीं क्या है. आओ बेटा, come here. Come. You can take this file now. Okay. Sit. कुछ वॉमिटिंग हुई थी?
नहीं वॉमिटिंग हुई नहीं थी, कह रहा था वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है लेकिन हुई नहीं. ओके. आई गिव हिम अ पेन किलर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. अच्छा. Mrs. Nandita, you can call me Nandita. Nandita, I can't be sure just now, but this could be appendicitis. I think it might be better agar aap aaj raat ise yahi rehne de to. Lekin doctor, aise kaise suddenly appendicitis? Matlab? Oh, no. Ye koi serious situation nahi hai. It's a very common problem. Actually, appendix hamari body ka ek aisa hissa hai jo without which we can easily function. Jaise tonsils. Inko hum vestigial organs kehte hain. Like a tail? Yeah, like a tail. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 100% कॉन्फर्मेशन के लिए हमें सोनोग्राफी करनी पड़ेगी और वो कल सुबह ही हो सकती है. इसीलिए आई थिंक अच्छा होगा कि आप आज रात इसे यहीं रहने दें क्योंकि घर पे अगर रात को दर्द हो गया तो इट विल जस्ट गेट डिफिकल्ट. ठीक है. फिर मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ. ओके वेरी गुड. डोंट बी स्कैर्ड. एक्सक्यूज मी. यस सर. अंकुर अरोरा कौन से रूम में है? ऑन द सेकंड फ्लोर रूम नंबर 201. थैंक यू. वेलकम. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? What the hell is happening? और suddenly ये अंकुर को क्या हो गया? डॉक्टर्स को लग रहा है कि appendicitis है. उन्होंने कहा एडमिट करवा दो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इसलिए मैंने एडमिट करवा दिया. ये तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमने मुझे फोन नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया. I would have come with you. Actually, बहुत लेट हो गया था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी. Now you're being really formal. तुम सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो. तो ये मुझे फोन करना चाहिए था. यू नो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. बैठो. सैंडविच. मेरा मन नहीं कर रहा खाने का. देखो खा लो, वरना एसिडिटी एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन. बच्चे के साथ साथ माँ को भी एडमिट करना पड़ेगा. सुबह से मुझे बोल रहा था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है. मुझे लगा स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रहा है. I'm so stupid. I'm so stupid. तेरे मेरी समझ में ही नहीं आया. तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना. दर्द हुआ ना मम्मा. सो स्टूपिड. मम्मा डोंट वरी, आई एम ओके. मुझे भी दर्द नहीं है. आई एम फाइन मॉम. आई एम सो सॉरी. आई एम सो सॉरी. सो सॉरी. नेक्स्ट पेशेंट कौन है? अंकुर अरोड़ा सर. गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मेरा नाम नंदिता अरोड़ा है. और इसे एडमिट किसने किया? मैंने सर. पेशेंट वाज इन पेन एंड कंप्लेनिंग ऑफ नौजिया. मुझे डाउट हुआ कि शायद अपेंडिसाइटिस है तो मैंने एडमिट करना ही. सोनोग्राफी की? नहीं सर. तो कैसे पता कि अपेंडिसाइटिस है? इट कुड बी यूरेटिक स्टोन्स. सर पेट के दर्द का कंप्लेंट था इसीलिए मैंने. इट कुड बी इंटरसेप्शन. सर देयर वाज नो कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन द स्टूल्स और दर्द इतना भी ज़्यादा नहीं था. वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस. सर बुखार हल्का सा भी नहीं था. नो डायरिया ऑल्सो. डायग्नोसिस सही है. एडमिट करने का फैसला भी सही है. एक सीटी स्कैन करवा लो, मालूम पड़ जाएगा इन्फेक्शन कितना है. यस सर. आप इनकी माँ है? ये अपेंडिक्स की बीमारी को ज़्यादा पालना नहीं चाहिए. इट्स नॉट गुड. स्कैन रिपोर्ट आते शायद ऑपरेशन करना पड़े.
आज ओटी खाली नहीं है तो ऑपरेशन कल ही होगा. वैसे पेन कम है तो नो प्रॉब्लम. जैसा आप ठीक समझे. और अगर आप सर एक्चुअली ओटी अवेलेबल है आज? आज ओटी अवेलेबल नहीं है. नहीं सर, एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी थी वो कैंसिल हो गई है. तो ओटी आज अवेलेबल नहीं है, कल ऑपरेशन होगा. Don't you do that to me ever again. मेरे पेशेंट्स के सामने मेरी बात काटने की जरूरत मत करना दोबारा. सर मैं तो सिर्फ जब मैं कह रहा हूँ ओटी अवेलेबल नहीं है तो ओटी अवेलेबल नहीं है. सर मुझे बताया गया कि सर्जरी कैंसिल हो गई है तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म करना. डॉक्टर रोमेश मैं जानता हूँ सर्जरी कैंसिल हुई, जानता हूँ ओटी अवेलेबल है, पर वो बच्चा आज रात यहीं रहेगा. जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ. सिंपल. अगर आप लोगों को एक कामयाब डॉक्टर बनना है तो याद रखना कि एक प्रोफेशन के साथ साथ एक बिजनेस भी है. इलाज के पैसे लगते हैं. ये मॉडर्न मशीन्स, दवाइयाँ, स्टाफ, ये सब ऊपर से नहीं टपका है, इसे खरीदा गया है पैसे देकर. हॉस्पिटल पैसों पे चलता है, सिर्फ अच्छाई पे नहीं. अगर पैसे नहीं तो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो इलाज नहीं. अगर आपको इतनी सहानुभूति है उनके प्रति तो उनसे कहिएगा कि एक महीने के लिए एक्सपेंसिव ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दें, निकल आएंगे पैसे. अगर वो अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती हैं तो हमसे उम्मीद मत रखिएगा. एक मरीज का पैसा दूसरे मरीज के काम आता है. सो दे वेरी वेल पे फॉर ईच अदर. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. डू यू अंडरस्टैंड डॉक्टर रमेश? आई एम आस्किंग यू डॉक्टर रमेश, डू यू अंडरस्टैंड? सर वी अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड. आप जो कह रहे हैं मेक सेंस. कुछ समझो, कुछ सीखो इनसे. Take it easy. Hey champ, you okay in there? Yup. Okay. I'm not scared. Good. एक क्वेश्चन पूछूं? Sure. Ascendipitis के ऑपरेशन में लोग मर भी जाते हैं? Ascendipitis नहीं, appendicitis. और नहीं, इस ऑपरेशन से कोई मरता नहीं, सिर्फ बच जाते हैं. और आपको तो हम बिल्कुल नहीं मरने देंगे. आर यू श्योर? वेरी श्योर. सिर्फ अपेंडिक्स ही है या और कोई कॉम्प्लिकेशन भी? ओनली अपेंडिसाइटिस. लेकिन अगर आप और डॉक्टर अस्थाना चाहे तो हम 10-12 टेस्ट और कर सकते हैं ताकि इस हॉस्पिटल का बिजनेस चलता रहे. रमेश मैं तो बस. आप तो सब समझती हैं ना. मैं बोर हो रहा हूँ और कितनी देर लेट आ रहा हूँ? बस 10 और मिनट चैंप. वो मैं आपको एक बात बोलूं, लेकिन आप मॉम को मत बताना. शो मैं सीक्रेट्स रखने में एक्सपर्ट हूँ. वो कहे कि मैं बीमार हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मॉम मेरी वजह से सैड है. वो पहले से ही सैड थी और सैड हो गई. डोंट वरी, यू विल बी फाइन. उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बच्चा हूँ. लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ. मैं जानता हूँ कि पापा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं. मैं ये भी चाहता हूँ कि मॉम मेरे सामने नहीं रोती है, वो अकेले अपने बेडरूम में रोती है. आप मुझे ठीक कर दो, मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा सिर्फ मॉम के लिए. उन्हें बहुत सारे प्रेजेंट्स ला के दूंगा, उन्हें हमेशा खुश रखूंगा. पापा जैसे उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा. रमेश इट्स नॉट फेयर यार, अस्थाना का गुस्सा तो मुझ पर उतार रहे हो. मैं तो बस डॉक्टर अस्थाना और तुम्हारे बीच का टेंशन कम कर रही थी, दैट्स ऑल.
It was really getting out of control. पता है रिया, जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि जब इंसान में हिम्मत कम हो जाती है ना, तो चालाकी बढ़ जाती है। और जब मैं छोटी थी, तब मेरी माँ ने भी कहा था कि खामखा की बहादुरी से बेहतर है चुप रहना। लड़ो तब जब लड़ सको, तब नहीं जब लड़ने की ताकत ना हो। तुम्हारे डॉक्टर अस्थाना मुझे कल ओटी में नहीं आने देंगे अंगूर के ऑपरेशन के लिए। उस बच्चे का ख्याल रखना प्लीज। आई विल। और अब आप अपना मौन व्रत खत्म करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है। I love you too. Isis mucho honio to fumonche tan linga mesto ka kin chosho choma tsayo ku kai ko fu hi kin chindro go sho kets ko in go shin ren mon I should see se pochin zori kin yose. Mama, bhook lagi hai. Abhi tum nahi kha sakte na Ankur. मेरा ऑपरेशन है एक घंटे में बेटा। कम ऑन, बी अ ब्रेव बॉय, उसके बाद खा लेना। हाँ, योर मम्मा इज ब्रेव बॉय। ओके, गुड मॉर्निंग अंकुर। यो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। ये सर्जिकल किट की लिस्ट है जो आपको सर्जिकल शॉप से खरीदनी है। इसमें से जो हम यूज नहीं करेंगे वो वापस हो जाएगा। अगर मैं आपको पैसे दूं आप ये ले आएंगी? यहाँ पे अभी हमारे साथ और कोई है नहीं। आई एम सॉरी मैडम, एक्चुअली हॉस्पिटल स्टाफ को इस तरह पैसे लेना अलाउड नहीं है। एंड आई थिंक आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सुबह में शॉप में ज़्यादा भीड़ होता नहीं है ना, इसलिए। बाय अंकुर। थैंक यू मैडम। यू विल बी ओके। 5-10 मिनट में ये लेके आती हूँ। तुम अपनी उस जीना को भेजो, वो ये ऐप हॉट स्नैप। WhatsApp, Mom. WhatsApp. Okay, I got it. WhatsApp. Oh, ध्यान से. Careful. डर तो नहीं लग रहा? No, Mom. डॉक्टर्स तुम्हारा ख्याल रखेंगे. और अजय अंकल आपका. ओए, बदमाश. Of course I will, and that's a promise. Stop it. Nonsense. Bye, Mom. Bye, beta. See you, champ. Good morning, Ankur. पेट खाली है ना आपका? सुबह में आपने कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं. Very good. Sister, take this. Sister. एक्चुअली जब मम्मी नीचे गई थी तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने 3-4 बिस्किट्स खा लिए थे। मम्मी को मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा होंगी। एक्सक्यूज मी सर, इट्स अ ब्लैक टाई इवेंट। सर वो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट अंकुर अरोड़ा सर, वो ही इज नॉट एनबीएम सर। सर वो पेशेंट अंकुर अरोड़ा सर, वो उसने 2-4 बिस्किट्स खा लिए हैं सर, वो खाली पेट। हाँ, नहीं तो 4 बिस्किट्स के लिए मैं ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ रोजीना, ऑपरेशन की लाइन लगी हुई है। पर सर ऑपरेशन तो 1 घंटे के अंदर है ना। राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल कर लूंगा, किस लिए करते हैं? सर वो ऑपरेशन से पहले पेशेंट के स्टमक को क्लियर करने के लिए। एग्जैक्टली, तो हो जाएगा, आप जाइए आप। हाँ नहीं नहीं, वाइफ नहीं आ रही, यू कैन इंट्रोड्यूस मी टू एनीबॉडी। ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग। ओके, या इट्स ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर, this is standard disclaimer form, a routine operation formality, so ma'am has to sign here. Just sign here. We're ready sir. Good. Is everything okay sir? Main kuch bhool raha hu. Kuch karna tha mujhe, kya tha?
डैम माय फोन, निकालो उसको, ऑफ करके रख दो हम सर। स्कैल्पल प्लीज। अरे डॉक्टर रोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई थॉट तुम सर्जरी में होगे। नहीं एक्चुअली मैं यहाँ सिर्फ एक इंटर्न हूँ, ऑपरेशन डॉक्टर अस्थाना कर रहे हैं। ओह सो नथिंग टू वरी अबाउट, इज द बेस्ट। Thank you, Dr. Rhea. Thank you very much, everybody. Keep me posted. Yes, sir. Doctor. Hello. Ankur. हाँ, he's all right. कुछ देर में हो जाएगा उसका. Thank you. जिनेवा कन्वेंशन के लिए ईमेल मिल गया मुझे. अब दो दिन में रिप्लाई करता हूँ. अंकुर बेटा, शोमियो टांग, शोमियो टांग। हाँ गुड, आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, ये भी गुड बॉय। फाइन, ओके। ओह माय गॉड, ही इज वॉमिटिंग, ही इज एस्पिरेटिंग। ओह गॉड, नट सक्शन मशीन क्विक। यस सर। Sir, his oxygen saturation is dropping. God. Quickly, sister. Sister, Dr. Asthana ko bulao for him. Yes, doctor. Doctor! Doctor Asthana! Ek minute. Do din aur observation rakhna. Wo appendectomy wala patient, he's aspirating in the OT. Shit. Ryle's tube. Shit. I cannot see anything. Laryngoscope fast. Hold his head properly. Oh no, it's all mess. क्या हो रहा है? He aspirated doctor. इसने operation से पहले कुछ खाया है. वो बताया क्यों नहीं किसी ने मुझे? Intubate him. There is lot of vomit. Let me clean this first. Sir, oxygen saturation is down to 60. God. Just intubate him. Oxygen उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है. Nurse, quick, get the tube. Give me the tube. Oxygen saturation down to 50. I cannot see anything. There is food all over. ये तो पहली बार नहीं कर रहे हो डॉक्टर, यू हैव डन दिस अ थाउजेंड टाइम्स, नॉट डोंट डिसअपॉइंट मी प्लीज। आई कैन नॉट सी एनी डैम थिंग डॉक्टर। डैम, चलो इसको वेंटिलेटर। सैचुरेशन 45 सर। इट्स इन ट्यूब ईसोफेगस में ट्रैक है मैंने, देयर इज नो वे पास डॉक्टर, कम ऑन पिक इट आउट। व्हाट? सैचुरेशन डाउन टू 35 सर। इट्स इन द ट्रैक है ना। आर यू श्योर? यस सर। Reading, Dr. Rhea. Saturation is 45, sir. Improving. It's going up, sir. Just check him, please. Huh? What? Just check the boy. Ankur. Ankur, apni aankhein kholo, Ankur. Ankur. अंकुर, कैन यू हियर मी? अपनी आंखें खोलो अंकुर, अंकुर अपनी आंखें, ओपन योर आईज। अंकुर, कैन यू हियर मी? अंकुर, ओपन योर आईज। अंकुर, अपनी आंखें खोलो। अंकुर, अंकुर, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वी हैव लॉस्ट हिम। व्हाट? ही इज इन हाइपोक्सिया। ही इज इन कोमा। I messed up. जिंदगी में पहली बार I messed up. What happened, doctor?
रोजीना ने बताया था कि पेशेंट ने कुछ बिस्किट्स खाए थे ऑपरेशन से पहले। What? मुझे राइस ट्यूब का इस्तेमाल करना था, मैं भूल गया। Damn! देखो हम सब डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ, जो कुछ भी हुआ है यहाँ ऑपरेशन थिएटर में वो यही रहेगा। लेकिन डॉक्टर, गलती सिर्फ मेरी नहीं है डॉक्टर श्रेष्ठा, आपको भी चेक करना चाहिए था। अरे पर हाँ, ओके ओके, जो कुछ हुआ है वो बात बाहर नहीं जाएगी। Is that clear? लेकिन डॉक्टर अस्थाना, हमसे किसी ने पूछा कि बच्चा कोमा में कैसे चला गया, उसे वेंटिलेटर पर क्यों रखा, तो हम जवाब क्या देंगे? हाँ तो बोलेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव एटलेटिसिस, लंग कोलैप्स हो गया। ऑपरेशन के वक्त सांस नहीं ले पा रहा था, लंग कोलैप्स हो रहा था, तो हमने वेंटिलेटर पर रख दिया, फिर भी कोमा में चला गया। हम लोग बोल सकते हैं, वे डॉक्टर्स। लेकिन आप लोगों को तय करना है कि आप मेरे साथ हो या आप क्योंकि अगर मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो। उसके बाद तुम्हारी डिग्रीज, एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस कुछ काम नहीं आएगा। You know that very well, डॉक्टर। At least इस देश में तो काम नहीं आएगा। Nobody can touch me। इसलिए ऐसे मत देखो जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूं। Okay, so it's clear. Okay, it's done. Huh? You can go. Please. Priya, wait. नहीं आप जाइए। इसके फैमिली को तुम इन्फॉर्म करना। Okay? जैसे मैंने कहा वैसे करना। Is that clear? Okay. अरे यार, उसे हॉस्पिटल से तो बाहर आने दो। आई हैव नो आइडिया। जाएंगे जाएंगे, चलते। आई एम नॉट श्योर, हाँ मे बी अबाउट अ वीक। ठीक है। आई नो ही लव दैट। हाँ यस डॉक्टर, एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है। कॉम्प्लिकेशन? वो आपका बेटा ऑपरेशन के बाद उसके लंग्स कोलैप्स हो गए। क्या? वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक रेयर केस है। ऑपरेशन के बाद उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और वो कोमा में चला गया। हमने उसको वेंटिलेटर पर रख दिया है और एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं एंड आईसीयू में जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। यूजुअली ऐसे केसेस में एक दो दिनों में पेशेंट्स कोमा से बाहर आ जाते हैं। प्लीज़ आप चिंता मत कीजिएगा अंकुर, अब इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे ये क्या, तुम बैग गाड़ी में ही भूल कर आ गए? अरे भूले बगैर तुमसे कुछ होता ही नहीं क्या? एक काम ठीक से नहीं कर पाते थे। How is it? Hmm.
कॉफी? Here. Thanks. क्या हुआ रिया? क्या हुआ है? Something wrong? Ria, what's happened? What? कुछ ठीक नहीं लग रहा है. Ria, but He's in coma. Lung collapse की वजह से. ऐसा doctors कह रहे हैं. Strong antibiotics देंगे, ICU में रखेंगे. ऐसा कैसे हो गया? इतना छोटा सा बच्चा coma में? Doctor, how serious is this? It's serious. Ajay. Yeah. अजी, मैंने ये स्मिता मॉरिसन का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है. तुम एक बार बात कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है? तुम एक बार पढ़ लो फिर बात कर लो. हाँ अरे बात करो, तुम क्या कर रहे हो? तुम 24 घंटे से सोई नहीं हो, घर जाकर आराम करो प्लीज. मैं यहाँ हूं ना अंकुर के साथ, मैं ख्याल रखूंगा उसका. क्या ख्याल रखोगे? क्या ख्याल रख सकते हो? क्या चाहिए उसे? उसको किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, ना कुछ मांग सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है. उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको, ना दोस्तों की, ना माँ की. नंदिता चलो. अरे क्या कर रहे हो? कितना काम पड़ा है अभी ऑफिस का. बीमारी है तो है, कोई क्या कर सकता है, क्या कर सकता है कोई. जिंदगी रुकती थोड़ी ना, चलती रहती है, वो तो चलती रहती है, काम चलता रहता है. क्या फर्क पड़ता है कोई बीमार हो या. तुम फोन करो, अरे बात कर लो तुम. कॉन्ट्रैक्ट का फाइनलाइज टाइम. हाँ नर्स रोजिना को भेजना प्लीज. गलत जगह एफिशिएंसी दिखाने की क्या जरूरत है? ये क्यों लिख दिया तुमने कि अंकुर ने सर्जरी से एक घंटे पहले कुछ खाया था? बट सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया. आई नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अब ये टाइम स्पैन बदलना पड़ेगा. लेकिन क्यों सर, हुआ क्या है? राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करना भूल गया. ओह माय गॉड सर. सर सर वो बच्चा अंकुर कोमा में है. एंड सर हॉस्पिटल रूल्स. टू हेल विद द हॉस्पिटल रूल्स. ये हॉस्पिटल किसका है? मिस्टर शेखावत.
और आपका सर। और इस हॉस्पिटल की इज्जत को बरकरार रखना ये किसका काम है? आपका सर। वही कर रहा हूं मैं। खैर ये कुछ पैसे हैं, तुम अपने गांव शहर जहां से भी आई वहां चली जाओ, अगर यहां इंक्वायरी होती तो मैं संभाल लूंगा। ये नाउ ठीक लग रहा है? नेचुरल? यस सर। श्योर? ओके 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 ओके। नर्स नर्स, पेशेंट नंबर 23 अंकुर अरोड़ा, रूम नंबर 104। ड्यूटी पर कौन सी नर्स थी? वेट अ मिनट सर, आई विल जस्ट चेक। हाँ प्लीज। जल्दी प्लीज। यस आई हैव इट सर, नर्स रोजीना। ओके कहाँ मिलेंगी इस वक्त? सर मुझे नहीं पता, अगर ड्यूटी खत्म हो गई होगी तो अपने घर पर। ड्यूटी खत्म हो गई? उनकी ड्यूटी रात 9 बजे तक है। हाउ कैन शी जस्ट? आई हैव नो आईडिया सर, बट शी हैज लेफ्ट फॉर द डे। रोजीना कहाँ रहती है? वो ऊपर रूम नंबर 28 पहला माला। रिया क्या हुआ था चोटी में? रिया अंकुर को क्या हुआ? बताया था ना लंग कोलैप्स हुआ था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप लोग दुनिया से क्या झूठ बोल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ एक्चुअली क्या हुआ था। बार बार पूछने से जवाब बदल नहीं जाएगा। लंग कोलैप्स हुआ था। अच्छा उसका लंग कोलैप्स हुआ था तो उसे ब्रोंकोस्कोपी क्यों नहीं एडवाइस की गई? सीधा उसे एंटीबायोटिक्स पे क्यों डाला गया? ना चेस्ट एक्सरे, ना आईबीजी एनालिसिस, सीधा मैग्नेमाइसिन। प्लीज रमेश, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं नहीं डॉक्टर साना डिसाइड करते। तुम लोग एस्पिरेशन निमोनिया का इलाज कर रहे हो क्योंकि उसने ऑपरेशन के बाद उल्टी की थी, हाँ के ना? No, it was a lung collapse. रिया, मेरी आँखों में देखो और सच बताओ मुझे, just tell me what happened. रमेश, please, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा ही प्रॉब्लम है। मैंने उस बच्चे को प्रॉमिस किया था कि उसे कुछ नहीं होगा और इस वक्त वो उस हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। तुम कह रही हो मेरा प्रॉब्लम नहीं है? रमेश, please, stop. रिया, just tell me, क्या उसने ऑपरेशन के बाद ओटी में वॉमिट किया था कि नहीं? रमेश, stop it. जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। No, Ria, you're lying. Who you trying to save? I'm not lying. किसी को नहीं बचा रही हूँ मैं। रिया, हम लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बने हैं, हॉस्पिटल का धंधा चलाने के लिए नहीं। हमारा काम लोगों की तकलीफ दूर करना है, उनकी तकलीफ की वजह बनना नहीं। आज एक माँ भगवान से सवाल कर रही है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको नहीं पता कि भगवान का कोई कसूर नहीं है, कसूर उन इंसानों का है जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। रिया प्लीज यार, फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो एंड टेल मी द ट्रूथ प्लीज, आई बेग यू।
जो तू भी वो ही क्यों नहीं, जैसी तेरी सूरत वैसी सीरत क्यों नहीं। घर चले? नहीं, मैं आज यहीं हूँ, जरा काम है। इट्स टफ। तुझको मुझसे कितने गिले to eat. Open two ampules. Come on, come on. Come on, young man. Come on. Bleeding. Sir, not recording. Come on. Come on, boy.
कम ऑन बॉय। Is my son dead? Doctor? Is my son dead? जैसे ठहरा हुआ है, थम गया है पल वहीं पे तू जहां रुकी, खुद में ऐसे तू खो गई है, अब तुझे मेरा कोई ख्याल ही नहीं। जिंदगी संभल जा तू, थोड़ी सी बदल जा, क्यों नहीं। वेल प्ले डॉक। हे सर, तुम क्या कर रहे हो? हाय, सर आपसे बात करनी है। किस बारे में? सर अंकुर अरोड़ा के बारे में। अंकुर अरोड़ा के बारे में क्या? सर गलती सबसे होती है, पर अगर हम वो गलती छुपाएं और उस गलती से किसी की जान चली जाए तो उसे मर्डर। कौन सी गलती? क्या क्या गलती? सर आप जानते हैं मैं अंकुर की बात कर रहा हूँ। ही डाइड बिकॉज ऑफ निमोथोरैक्स। डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा तुमने? ही डाइड बिकॉज ऑफ लंग फेलियर। जानते हो तुम क्या कर रहे हो? एक रेप्यूटेड डॉक्टर को इंसल्ट कर रहा हूं। रोमेश, अगर मैंने इस इंसल्ट को सीरियसली ले लिया ना तो मैं हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा, फिर दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे तुम, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सो डोंट मेस विद मी। सर आप मुझे डॉक्टर बनने से रोक लीजिए, लेकिन एक बार उस बच्चे की मां से सच बोल दीजिए कि वो बीमारी से नहीं आपकी लापरवाही की वजह से मरा है। सर प्लीज, सर उसकी मां के सामने ये सच कबूल कर लीजिए प्लीज। गुड नाइट सर। सर इस सच पे उसका हक है सर। सर आपको अपना गुरु मानता हूँ मैं सर, आई वर्शिप यू। सर प्लीज झूठ मत बोलिए, गलती कबूल करने में शर्म कैसी सर? जान बचाने के इस पेशे में हमेशा जान नहीं बचती, यह हकीकत है, इसे स्वीकार कर लो, अच्छा है तुम्हारे। रमेश मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा होता है, ऐसा होता रहे। सर ऐसा ही होता आया है तो बस बस बस, इसके आगे इसके बारे में बात नहीं होगी, समझ रहे हो तुम? नहीं सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस। चलो थैंक यू। व्हाट आई वाज सेइंग इज रमेश, हेलो हेलो बेटा बैठो। पता है पापा बार बार मुझसे मेरे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए सूप ऑर्डर कर दिया है। नहीं नहीं मैं तो रिया से सिर्फ ये कह रहा था कि तुम दोनों की इंटर्नशिप का ये आखिरी साल है,
अब इसके बाद बहुत जल्दी तुम लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि इस पेशे में किसको क्या करना है. That's it. I was concerned about that. मैंने तो पापा को कह दिया है कि I wanted cardiology, पर पापा कह रहे हैं मुझे neurology करनी चाहिए. रिया बेटा, mark my words, neurology is the future of medicine. और फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई आजकल, और इसकी वजह से इनकम भी अच्छी हो गई. रमेश बेटा, सूप लो. रमेश, रमेश, ये क्या है रिया? What the hell is the matter with you? Do you realize तुमने पापा की इंसल्ट की? वो तुमसे कुछ कह रहे थे और तुम की. और अस्थाना अभी बैडमिंटन खेल रहा है कहीं. हम अपने आने वाले कल के प्लान्स बना रहे हैं और वहां एक माँ अपने बेटे की मौत का मातम मना रही है, जिसकी मौत की वजह उसे अभी तक मालूम ही नहीं है. हाँ, मातम मना रही है वो, उसका बच्चा मर चुका है. And I'm really sorry for that. I'm sorry कि वो नहीं कर रहे जो मैं करना चाहिए. तो अब तुम ही बताओ हम क्या करें. जीना छोड़ दे, मातम मना हम भी. सच, सच का मतलब जानती हो ना तुम? हमें सिर्फ उस माँ से सच बोलना है और कुछ नहीं. कि तुम लोगों ने उसके बच्चे को मार डाला. You all have murdered Ankur Arora. ये सच नहीं है. आज तुम्हें देखकर सोच रहा हूँ कि तुम वही रिया हो जैसे मैं प्यार करता हूँ, या वो जैसे मैं जानता भी नहीं. What do you mean? बिल्कुल उन लोगों की जैसी हो गई हो तुम, उन सब जैसी. सब जैसी? मैं उन सब जैसी हो गई हूँ? हाँ, तुम हो वही लोग जो दूसरों की कब्रों पर अपने महल बनाते हैं, बिल्कुल वैसी. रमेश, प्लीज डोंट से दैट. आई नो मैंने तुमसे झूठ बोला, बट मैं क्या करती? आई डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस. चॉइस तुम्हारे पास कल नहीं थी रिया, आज है. जो बिगड़ा है उसे बनाओगी तुम? ये फैसला तो तुम्हें करना ही पड़ेगा आज, अभी इसी वक्त. आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू थिंक मैं शिखावत, डॉक्टर सारा, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट जाऊंगी? वो भी उस बच्चे के लिए जो वैसे भी जिंदा नहीं है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ मैं. तो फिर ये भी समझ लो कि अगर हमने ऐसा किया तो बर्बाद हो जाएंगे हम दोनों, हमारे सपने, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, सब कुछ. अरे बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाए. रमेश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. पापा ने 80 लाख कैपिटेशन फीस भरी ताकि मैं सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकूं. आई कांट जस्ट थ्रो इट अवे क्योंकि तुम्हारा जमीर तुम्हें जीने नहीं दे रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जिंदगी और मौत की दुनिया जहां पर ऐसे हादसे होते रहते हैं. तो ठीक है, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, ये फैसला तो आज कर ही लो तुम. फैसला किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ? इज दैट व्हाट यू वांट? रमेश, उस ओटी में मैं भी थी, उस हादसे की गवाह हूं मैं, उस हादसे का हिस्सा, क्योंकि सच को मैंने भी छुपा रखा है. और अगर ये बात खुली ना तो कार्यवाही मुझ पे भी हो सकती है, कोर्ट जाना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम देख ही नहीं रहे कि जाने अनजाने में तुम मेरे खिलाफ हो रहे हो. यू आर फाइटिंग मी. शायद, और शायद इसी में सबकी भलाई है. मैं उस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी. सच्चाई से जिंदगी बर्बाद होते हुए मैंने तो कभी नहीं देखी. So tell me, रिया, मेरे साथ या मेरे खिलाफ? रमेश, साथ या खिलाफ? रमेश प्लीज. रिया, मेरे साथ या मेरे खिलाफ? रमेश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. रिया, मेरी बात का जवाब दो, साथ या खिलाफ? फाइन, तो सुन लो, खिलाफ है मैं तुम्हारे. खिलाफ, खिलाफ. पार्क में सैर कर रहा क्या? पागल है क्या?
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है जिससे शरीर बाहर क्यों खड़े या मन अंदर आ जाओ। होता है वैदिक कोश के अनुसार सॉरी मुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। शरीर तथा इंद्रियों का भी होना मुझे ये चिट्ठी देनी थी तो मैंने सोचा या परम पुरुष का कर संबोधित किया है। क्या है इसमें जिसका अर्थ ये होता है वह सारे प्रश्न आपको जब टाइम मिले तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। परम पुरुष के उन्हें परम प्रमाण चलता हूँ। थैंक यू। डियर नंदिता मैं जानता हूँ अंकुर अब कभी वापस नहीं आ सकता लेकिन उसकी माँ होने के नाते आपका हक है ये जानने का कि उसके साथ क्या हुआ था क्योंकि आप जो जानती हैं वो सच से परे है। हॉस्पिटल ने आपसे जो कहा वो सच नहीं और सच पे आपका हक है। वो इस टेबल पर लेटा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद Oh my God. He's vomiting. Oh God. He's aspirating. Nurse, suction machine, quick. Yes, sir. Sir, his oxygen saturation is dropping. Doctor Asar को बुलाओ फौरन। Yes, doctor. ऐसी कंडीशन में कुछ समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि कुछ गलत हुआ है। I cannot see anything. Laryngeals go fast. क्या हो रहा है? ये एस्पिरेटर डॉक्टर। इसने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया वो बताया क्यों नहीं किसी ने मुझे? इंट्यूबेट है। नो नो डॉक्टर। देयर इज लॉट ऑफ वॉमिट। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। नर्स क्विक। गिव मी द ट्यूब। ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन 50। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। देयर इज फूड ऑल ओवर। ये तुम पहली बार नहीं कर रहे हो डॉक्टर। यू हैव डन दिस 1000 टाइम्स। टेलीस्कोप। वेंटिलेटर। सैचुरेशन 45 सर। इट्स इन द ट्रकिया नाउ डॉक्टर। आर यू श्योर? यस आई एम। रीडिंग डॉक्टर रिया। इट्स गोइंग अप सर। Just check him, please. Huh? What? Just check the boy. Ankur. Ankur, apni aankhein kholo, Ankur. Ankur, apni aankhein kholo, Ankur. Ankur. Ankur, can you hear me? The brain went dead. Coma. काजुरीसन हमारी एडवोकेट। मिस नंदिता अरोरा, केस तो हम डेफिनेटली चला सकते हैं उन लोगों पर। इट मे बी टफ बट इफ यू वांट, उनसे मुआवजे में एक बड़ी रकम की मांग कर सकते हैं। अंकुर की जान लेने की क्या कीमत देंगे वो लोग? 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़? उससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। तो आप चाहती क्या हैं? मेरे साथ जो हुआ शायद ये केस लड़ने के बाद किसी और के साथ ना हो। शेखावत दियोना इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है सो ऑब्वियसली उसके कनेक्शंस भी बहुत पावरफुल होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।
I do. लेकिन हारने के डर से कोई लड़ना तो नहीं छोड़ देता ना। और डॉक्टर रमेश, जानते हो ना, तुम्हारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो इस केस को फाइल कर दूंगी, हम इसे लड़ भी लेंगे, पर तुम चाहो तो अब भी पीछे हट सकते हो, अपने करियर को बचा सकते हो। करियर तो बच जाएगा, जमीर को कैसे बचाऊंगा? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। सब चाय बना दो? हाँ, नाश्ता जल्दी बना, ऑफिस जाना। जी। क्या खा रही है बेटा? कॉर्नफ्लेक्स। वेरी गुड। हेलो जी, एक मिनट सर, आपके लिए फोन है, अर्जेंट। ठीक है जा। हेलो सर, मैं जी न्यूज से बोल रही हूँ। सर, मिसेस अरोरा ने आपके खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज किया है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर रिया श्रीवास्तव बैठिए, टी कॉफी। आई एम राजीव मलानी। अंकुर अरोड़ा की मां के खिलाफ मलानी साहब हमारी तरफ से केस लड़ेंगे। अंकुर अरोड़ा के ऑपरेशन के दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अस्थाना के अलावा चार लोग और थे, उनमें से एक आप। उस दिन ऑपरेशन थिएटर में हुए हादसे के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपने किसी से बात की? डॉक्टर रिया, कोई भी ऐसी बात जो आप जानती हैं और हम लोग नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, वरना डॉक्टर अस्थाना की रेपुटेशन, मेरी इज्जत, इनफैक्ट पूरा अस्पताल एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा, और हम लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो अलग, सो इन केस देयर्स एनीथिंग, देन रिया, रोमेश के साथ तुम्हारा क्या संबंध है सभी लोग जानते हैं। लिविंग क्वार्टर्स में तुम लोग साथ रहते हो, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया, पर मैंने कहा ठीक है, प्यार है, पनपने दो। स्पीक अप डॉक्टर रिया, वॉज इट डॉक्टर रोमेश? रिया, आपने डॉक्टर रोमेश को क्या बताया, बोलिए। स्पीक अप। अपना सामान ले जा रहा हूं यहां से, और ये इसे रख लो। अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कह दिया, झूठ मुझसे कहा नहीं गया। वो जानना चाहते थे कि उस हादसे की बात बाहर कैसे निकली। मैंने कहा तुमसे, वकील के पास तुम गए थे। So why are you feeling bad about it? मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम करो। रमेश, मैं मजबूर हूं, बुरी नहीं,
मजबूर तुम कहाँ हो? मजबूर तो मैं हूं तुमसे कई ज्यादा, फिर भी एक फैसला मैं कर चुका हूं कि मैं सच का साथ दूंगा, उसे भागूंगा नहीं। सच? कौन सा सच? वो सच जो हमारे गुजरे हुए कल के लिए हमारे आने वाले कल को तबाह कर रहा है। सच कभी तबाह नहीं करता रिया, सच से भागना तबाह करता है। Come in. मेरा रेजिग्नेशन। बेवकूफी और बहादुरी का एक नायाब नमूना हो तुम डॉक्टर रमेश। शायद मगरूर और लापरवाह होने से तो बेहतर है डॉक्टर अस्थाना। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है डॉक्टर रमेश, ये मत भूलना कि उस दिन ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था। एक इंजेक्शन देते वक्त तुम्हारे हाथ जम गए थे। लापरवाही की बात कर रहे हो? उस वक्त अगर मैं ना होता तो लक्ष्मी कागल चले गए होते। मुझे याद है सर, आपने जान बचाई थी उनकी, और मुझे यह भी याद है कि उस दिन के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं आने दिया था आपने। सही तो है, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक कह रहे हैं आप, मैंने गलती की और मुझे बाहर निकाल दिया गया, अब बारी आपकी है। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी इस बनी बनाई पोजीशन को, इस हॉस्पिटल की इज्जत को आपके ऊपर न्योछावर कर दूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है वो मैं करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे रमेश, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरा करियर जब शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म क्या करेंगे आप? मेरे पास गवाने को कुछ नहीं है और आपके पास बहुत कुछ है। माय लॉर्ड, इस साल जून की 9 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। एक 8 साल का बच्चा जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा था मर गया, क्योंकि उसकी मां ने जिस हॉस्पिटल को चुना, जिस पर भरोसा किया, वो एक सिंपल से ऑपरेशन को करने की लायक ही नहीं था, और अगर लायक था तो फिर लापरवाह था। वजह कोई भी हो, कीमत तो उस मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यौन उस दिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अस्थाना को बताया गया था कि अंकुर ने एक घंटे पहले कुछ बिस्किट्स खा लिए थे। ऐसे में डॉक्टर्स राइल्स ट्यूब नाम का एक स्पेशल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं खाने को पेट में से बाहर खींचने के लिए, लेकिन यौन उस दिन ऑपरेशन के वक्त इस ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो भूल गए, अंकुर के पेट में भरे बिस्किट्स जहर बन गए और उसके लंग्स में फैल गए। He went into coma, cerebral hypoxia, और दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। Your Honor, prosecution अब ये साबित करेगा कि हॉस्पिटल सिर्फ लापरवाही नहीं मुजरिम भी है। ये साबित करेगा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने जो किया है वो कोई फर्स्ट डिग्री मर्डर से कम नहीं था। ये भी साबित करेगा कि अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश में ये सब आज सिर्फ गिल्टी ही नहीं गुनहगार भी है। मैं कोई चार्ट बनाकर नहीं लाया योर ऑनर, और ना ही इस प्रोफेशन पर कोई भाषण दूंगा, क्योंकि मुझे शेखावत जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर पूरा यकीन है कि उस दिन ऑपरेशन के दौरान अंकुर अरोड़ा के लंग्स कोलैप्स यानी फेफड़े बेकार हो गए थे। मेडिकल टर्म्स में इसे न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। ऐसी हालत में पेशेंट सांस नहीं ले पाता, वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और पेशेंट कोमा में चला जाता है। That is exactly what happened to Ankur Arora that day. Doctors को गाली देना, hospitals को बदनाम करना, उन्हें blackmail करना बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत, अपनी reputation की कद्र होती है।
they become easy targets. In fact, Your Honor, ये केस extortion का है, blackmail का है, और इस तरह के blatant extortion के सामने, blackmail के सामने, हम क्यों झुकें? मेडिकल लीगल केसेस लड़ने की मेरी सलाह मानकर अच्छा किया तुमने। चार केसेस जीतकर तुमने काफी रेपुटेशन बना ली है। रोमेश को तुम्हारे पास ही आना था। इफ यू स्मार्ट, हम इसे बहुत लंबा खींच सकते हैं। शेखावत हैज वेरी डीप पॉकेट्स। मेरा नया ऑफिस और तुम्हारा बंगलो बनाने का वक्त आ गया है। तो अब मुझे क्या करना है? बस हॉस्पिटल को शर्मिंदा करती रहो कोर्ट में। And go easy on Dr. Asthana. बचाती रहो उन्हें जब तक बचा सकती हो। केस लटका रहेगा, जज फैसला सुना नहीं पाएगा। And I will make sure that the confusion continues. I have to go now. Bye, my dear opposition lawyer. तुम शॉपशी में तो तारा किशर, हमेशा जल्दी। Busy आदमी हो भाई। आज हम अपने बारे में बात करने वाले थे ना? क्या बात करें? कि मैं शादीशुदा हूं और हमारा कोई फ्यूचर नहीं? जानती हूं, फिर भी भूल जाती हूं। मिस्टर भार्गव, आप काम क्या करते हैं? जी, मैं एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूं। सो टेल मी, क्या आपके इस तजुर्बे को इससे पहले भी इस तरह के केसेस में इस्तेमाल किया गया है? काफी बार, इतनी बार कि अब मुझे ठीक से याद भी नहीं। वैसी योना, ये उस लेजर के एक पन्ने का ब्लो अप है जिसमें अंकुर की डिटेल्स दर्ज किए गए थे, उसके ऑपरेशन से पहले की डिटेल्स। इसमें लिखा है टाइम बिफोर लास्ट मील 9 आवर्स, यानी कि 9 घंटे। मिस्टर भार्गव, अदालत को बताइए इस पन्ने को पढ़कर आपने क्या जाना? एक आम इंसान के लिए यह सिर्फ एक नंबर है, नंबर 9। लेकिन मेरे लिए नंबर 9 नहीं, नंबर 1 है, जिसे 9 बनाया गया है। ये ऐसे यहां से घुमाकर, और ये एक नहीं, दो लोगों ने किया है, दो अलग अलग पेन से, दो अलग अलग वक्त पर। हम जब कागज पर कुछ लिखते हैं तो उस पर बहुत हल्की सी सिलवटें पड़ जाती हैं, जिसे हम सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही देख सकते हैं। नॉर्मली जब इंसान लिखता है तो कागज पर सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन जब वो कुछ बदलता है तो बहुत ही हल्के हाथ से लिखता है, काफी केयरफुली, इसलिए उस जगह पर सिलवटें कम पड़ती हैं। इस कागज में भी हर जगह सिलवटें ज्यादा हैं, सिवाय वो 9 के पास जहां सिलवटें कम हैं, जिसे बदलने की कोशिश की गई है। अब अदालत से मैं क्या कहूं? सब साफ है, एक ही कागज पर, एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर दो अलग अलग हाथ नहीं लिख सकते। तो जाहिर सी बात है, इस पन्ने में लिखे एक को किसी ने 9 में बदला है। यौन, इस लेजर को किसने चुराया ये शायद हम नहीं जानते। हम अभी ये भी नहीं जानते कि ये काम डॉक्टर अस्थाना ने किया है या नहीं, लेकिन किसी न किसी ने तो किया ही है। एंड द फनी पार्ट इज दैट, इस लेजर में लिखे वक्त के हिसाब से अगर अंकुर ने ऑपरेशन से 9 घंटे पहले कुछ खाया था तो उस वक्त रात के 1 बज रहे होंगे। और इस बात को समझने के लिए मुझे लॉजिक में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी पेशेंट रात को 1 बजे उठ के खाना नहीं खाता। तुम आज फिर फोन पे बातें कर रहे हो, इसका मतलब आज आओगे नहीं? सिर्फ रात ही नहीं, अब से दिन में भी कम मिलेंगे जब तक ये केस चल रहा है। किसी ने साथ देख लिया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यू आर राइट, पर तुमसे कुछ कहना था, इट्स अर्जेंट। व्हाट? फोन पे नहीं, मिलना पड़ेगा अभी, प्लीज।
क्या हुआ? I'm pregnant. मुझे लगा शायद केस में कुछ गड़बड़ है. Don't worry, केस ठीक है. इसीलिए मिलना चाहती थी. ये बात तो हम फोन पर भी कर सकते थे. हाँ, कर सकते थे. छोटा सा प्रोसीजर है, गिरा दो इसे. दस बजे की न्यूज में स्पेशल है आज मुझ पर, तारीफें होंगी, वही देखने जा रहा हूं. कॉल मी व्हेन इट्स डन. जोरी बार बार यही साबित कर रही है कि गलती हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है, डॉक्टर अस्थाना से नहीं. She's trying to confuse the issue. कोई भी लहजा चुरा सकता है, कोई भी लिख सकता है, कोई भी ये, कोई भी वो. स्मार्ट मूव. अदालत कोई भी को तो गिल्टी नहीं मान सकती ना. हमारा लॉयर होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो डॉक्टर अस्थाना को गिल्टी साबित करे, मगर ऐसा कुछ नहीं कर रही है वो. इसीलिए मैंने उसका पीछा किया, उसे मलानी के साथ देख लिया. Shocking. बहुत सफाई से उलझा रही है वो हमें, और अब हम फंस चुके हैं. उसकी समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चे की मौत हुई है, इसका भी फायदा उठा रही है वो सिर्फ पैसे के लिए. I want to meet her right now. चलो. काजुरी दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम अंदर हो, हमें तुमसे बात करनी है. काजुरी ओपन द डैम डोर, वी नो यू आर इनसाइड. तोड़ दो दरवाजा. जस्ट ब्रेक द डैम डोर, ब्रेक इट. अजय, कॉल एन एम्बुलेंस क्विकली. डॉक्टर बोल रहे हैं अब ठीक है वो. मिफेपिस्टोन खा लिया था उसने, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, मरते मरते बची है. मेफेफिस्टोन? अबॉर्शन की गोली. प्रेग्नेंट थी वो. How are you feeling? उसे सजा दिलवा के रहूंगी.
कहेंगी ना मुझे। बच्चा खोना क्या होता है तुमसे ज्यादा अब कौन जानेगा इसे। अब ये लड़ाई तुमसे बेहतर कोई और नहीं लड़ सकता। फिर 3 दिन बाद डॉक्टर रोमेश वर्मा हमारे घर आए और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे अंकुर की मौत कैसे हुई। योर विटनेस प्लीज। इस फॉर्म को पहचानती हैं आप? ये वो फॉर्म है जिसे आपने अपने बेटे के ऑपरेशन से पहले साइन किया था। ये साइन आप ही के हैं? आप क्या कोई भी पेपर बिना पढ़े ही साइन कर देती हैं, बिना ये जाने कि उसमें क्या लिखा है? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। तो इस फॉर्म पे लिखे ऑपरेशन गाइडलाइंस के पॉइंट 2 को पढ़िएगा प्लीज। पेशेंट शुड बी NBM 6 to 8 hours बिफोर द ऑपरेशन। NBM मतलब नथिंग बाय माउथ Your Honor, इस फॉर्म पे ये साफ लिखा है कि ऑपरेशन से 6 से 8 घंटे पहले तक पेशेंट को कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं दी जाती। उसे खाली पेट रहना होगा। और इस फॉर्म पर पेशेंट की मां का साइन भी मौजूद है, वो मां जो लापरवाही का इल्जाम आज डॉक्टर्स पर लगा रही है, लेकिन ये भूल रही है कि सबसे बड़ी लापरवाही तो इसने खुद की है। अपने बच्चे को ऑपरेशन से 1 घंटे पहले बिस्किट्स खाने दिए। इनसे पूछिए Your Honor, जब बच्चा बिस्किट खा रहा था तो ये क्या कर रही थी? उसका मुंह ताक रही थी, टीवी देख रही थी, या फिर ब्यूटी सैलून से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही थी? योर विटनेस। मिस अरोरा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है जानती हैं आप? नो। इट्स अ हार्ट अटैक, अक्यूट कोराइजा। इस नाम से तो वाकिफ होंगी आप? नहीं नहीं, मामूली जुकाम, सेफाल्जिया, ये नाम सुना है आपने? मैं ये सब नहीं जानती। सर दर्द, आपको क्या पता नहीं? मेरे काबिल दोस्त के हिसाब से आपको डॉक्टरी की सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी अपने बच्चे को उस हॉस्पिटल में दाखिल करने से पहले। Objection, Your Honor. The prosecution is trying to lead the witness. Excuse me. Do you know what ED stands for? मुझे लगा आपको पता होगा। Erectile dysfunction. Sorry. Your Honor, आप बताइए, क्या NBM का मतलब आप जानते थे? Objection overruled. My lord, आम इंसान इन medical terms के बारे में कुछ जाने या ना जाने does not matter. What matters is कि इलाज करने वाले doctors को इसकी जानकारी होनी चाहिए. And specially a fantastic surgeon like Dr. Asthana. Hell are you doing? What the hell I'm doing मतलब? मतलब तुम्हें इस केस को लंबा खींचना है, इसे जीतना नहीं है। अच्छा, ऐसा करना था? Sorry, मैं भूल गई। क्या? हाँ भूल गई, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। रात को 10 बजे मुझे टीवी देखना है, खबरों में तारीफें बटोरनी है, सिर्फ अपनी तारीफें, किसी और की नहीं। ये गुस्सा उस हरामजादे की वजह से है जिसे तुम्हें गिराना पड़ा। नहीं, ये उस हरामजादे की वजह से है जिसके साथ सोना पड़ा। एक सौदे वाली औरत है तू,
और कुछ नहीं। वकील तो मैंने बनाया है तुझे, तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी। सौदे वाली तो मैं अब भी हूं, फर्क सिर्फ इतना है इस बार सौदा सच का किया है, जिस्म का नहीं। कोर्ट में तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। उड़ा देना, पर याद रखना राजीव मलानी, इस बार तेरे खिलाफ दो औरतें नहीं, दो माएं हैं। तेरी हस्ती उजाड़ देंगे हम, जैसे हम बाजारू औरतें कहती हैं ना, हाथ लगाएंगे भी नहीं और तेरे कपड़े उतर जाएंगे। शॉप उनको यहाँ पे मिलेगी। मलानी ने बताया था मुझे, उन्होंने उसे यहाँ गोवा में ही छिपाया है। यही है वो 100%। वो रही, वो जो फादर के साथ हो गई। क्राइस इज विद यू माय चाइल्ड। यस फादर। जाओ। हाय। मेरा नाम काजुरी सेन है, आई एम अ लॉयर। तुम शायद जानती होगी कि अंकुर अरोड़ा केस में हमने डॉक्टर अस्थाना और हॉस्पिटल के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। रोजीना, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरे को कुछ नहीं मालूम, एंड प्लीज लीव मी अलोन। रोजीना, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक बच्चा था अंकुर, तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसकी देखभाल की है। उसने तुमसे ही कहा था कि उसने कुछ खा लिया था, और वो तुम ही थी जो डॉक्टर अस्थाना के पास परेशान होकर गई थी। उस बच्चे का चेहरा याद है तुम्हें रोजीना? बताओ, उस बच्चे का चेहरा याद है ना? वो चेहरा अब नहीं रहा रोजीना, मर गया है वो। उसकी मां ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, जलकर राख हो गया वो चेहरा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन वुड नाउ लाइक टू कॉल नर्स रोजीना टू द विटनेस बॉक्स। हु? आई एम सॉरी, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, रोजीना का नाम विटनेस लिस्ट पे नहीं है, शी कैन नॉट टेक द स्टैंड। मोरओवर, डिफेंस को अपना क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए वक्त चाहिए। माय लॉर्ड, शी इज अ रिलक्टेंट विटनेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू द केस। द विटनेस कैन टेक द स्टैंड, डिफेंस को टाइम दिया जाएगा केस तैयार करने के लिए, बट द विटनेस विल हैव टू बी कॉल्ड अगेन फॉर द डिफेंस। डू यू एग्री मिस सेन? आई एग्री माय लॉर्ड। अदालत को अपना पूरा नाम और काम क्या करती है बताइए। माय नेम इज रोजीना डिकोस्टा, मैं एक वार्ड नर्स हूँ शेखावत जनरल हॉस्पिटल में। लेकिन आज तो आप गोवा से आई हैं, इज दैट राइट? हाँ, मैंने कुछ दिनों की लीव ली हुई थी। रोजीना, क्या ये सच है कि आपने ये लीव उसी दिन ली जिस दिन अंकुर कोमा में चला गया था? जी। और क्या ये भी सच है उसी दिन डॉक्टर अस्थाना ने तुमको काफी पैसे भी दिए थे? हाँ, ये भी सच है। लेकिन एक सच और भी है, डॉक्टर अस्थाना इसलिए तुमको गांव भेज रहे थे क्योंकि सबसे पहले तुम्ही ने उनको बताया था कि ऑपरेशन से एक घंटे पहले अंकुर ने कुछ बिस्किट्स खा लिए थे। Isn't that right? ओके रोजीना, डरने की कोई बात नहीं, तुम सबके सामने सच बोल सकती हो। क्या तुमने ये बात डॉक्टर अस्थाना को नहीं बताई थी? रोजीना, मेरी तरफ देखो, डरो मत, सच बोलो, बोलो। नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। What? What are you saying, Rosina? मेरे को कुछ पता नहीं कि वो बच्चे ने कुछ खाया पिया था और आप क्या बोल रही हैं? मेरे को कुछ पता नहीं मेरे को। रोजीना झूठ क्यों बोल रही हो तुम? रोजीना Silence in the court. Your Honor, the witness has turned hostile and should be excused. The court will reconvene on Monday morning at 9 o'clock. Rosina, तुम तो अरे चलिए बैठिए आप। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, तुम्हारे तो कपड़े ही उतर गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं है अब हमारे पास अस्थाना के खिलाफ। As of now, यही कि हम केस हार चुके हैं। एसेंटिबिटिस के ऑपरेशन में लोग मर भी जाते हैं? नहीं, इस ऑपरेशन से कोई मरता नहीं और आपको तो हम बिल्कुल नहीं मरने देंगे। Are you sure? Very sure. अरे क्या हुआ? अरे बात क्या है? मुझे खुद पता हो तब ना। This here, you see this? This is vomit. ऑपरेशन के वक्त ये धागा अंगूर के गले में था। जब उसने उल्टी की तो वो लग गई इस पर। सूख चुकी है पर काफी है। किस चीज के लिए काफी है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। इस उल्टी में अंकुर का डीएनए, उसकी वॉमिटस एसिड्स और उसने जो खाया उसके ट्रेसेस होंगे। लेकिन इस धागे पे जो वॉमिट के पार्टिकल्स हैं, वो अंकुर के ही हैं। ये कैसे साबित होगा? किसी भी बच्चे का डीएनए दो सेट से बनता है, आधा सेट जो बाप के डीएनए से मिलता है और आधा सेट जो माँ के डीएनए से मिलता है। अगर हम अंकुर की वॉमिट के पार्टिकल्स तुम्हारे ब्लड सैंपल से मिलाए तो ये 50% एग्जैक्ट मैच होंगे और इससे ये साबित हो जाएगा कि इस धागे पर जो वॉमिट के पार्टिकल्स हैं अंकुर के ही हैं। और अगर इन लोगों ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ऑपरेशन से पहले ही अंकुर ने वॉमिट की थी और वही पार्टिकल्स इस धागे पर रह गया तो? अगर उसने ऑपरेशन से पहले उल्टी की होती तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में एंटी इमेटिक यानी उल्टी ना करने वाली दवाई शामिल होती, जो है नहीं। He never vomited before the operation. And after the operation, वो कोमा में था। He could only have vomited during the operation. रोमेश, you're a bloody genius. Your Honor,
अगर इजाजत मिले तो प्रोसिक्यूशन को 4 दिन का रिसेस चाहिए, सिर्फ 4 दिन के लिए। और ये मोहलत आपको क्यों चाहिए? मैं इस केस में कुछ और तैयारी करना चाहती हूँ। अदालत प्रोसिक्यूशन को 4 दिन की मोहलत देती है, लेकिन ये मोहलत सिर्फ केस की बेहतरी के लिए दी जा रही है, तारिक आगे बढ़ाने के लिए नहीं। आई अश्योर यू माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 4 डेज। दिस इज नॉट अ गुड साइन, शी इज अप टू समथिंग। काजोरी ने ऐसे ही वक्त नहीं मांगा है, उसके हाथ जरूर कुछ लगा है। क्या मतलब, क्या लगा होगा उनके हाथ? आई डोंट हैव अ क्लू, लेकिन अदालत में बेवकूफ नहीं लगना चाहता हूं मैं। तो फिर कैसे पता चलेगा? राजीव, आप कोर्ट में बेवकूफ नहीं दिखना चाहते हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहता। इस केस के चलते वैसे ही मेरा और मेरी कंपनी का अच्छा खासा मजाक बन चुका है। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर डैमेज। पता कीजिए क्या है। आई अंडरस्टैंड सर, ये खेल अब थोड़ा सा गंदा होने वाला है। आई सजेस्ट आप दोनों अब इससे दूर ही रहिए। अब जो करना होगा मैं खुद करूंगा। काजोरी का नंबर मेरे पास है, नंदिता का नंबर हॉस्पिटल रिकॉर्ड से मिल जाएगा, और रोमेश, रोमेश का नंबर वही है ना रिया? बदला तो नहीं? नहीं सर, नहीं बदला। तुम लोगों वार्ड में मिलता हूँ। चलिए। ओके सर। हाँ मलानी। रोमेश के सेलफोन रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। व्हाट्स दिस टेक्नोमेड लैब? पिछले 2 दिनों में उसने कई बार फोन किया है यहाँ। टेक्नोमेड? ये तो वो लैब है जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, और ऐसे लैब्स तो हमारे शहर में बहुत कम है। एनी आइडिया वो यहाँ क्यों कॉल कर रहा होगा? अंकुर केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या? अनलेस उसे वॉमिट सैंपल्स मिल गए हो, मे बी। और अगर ये मे बी डेफिनेटली हो जाए तो? तो मलानी वी आर This is a perfect match. Right. Check kar lo. And let's all leave. Lab ko bhi band karne ka time ho gaya hai. Yeah, sure. Just give me 1 second, guys. Yeah. Thank you. एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है लैब से। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। स्टेप ऑन इट। अरे यार पता नहीं क्या हो गया। No idea. कल रात को जब कंप्यूटर ऑफ किया था तो सब ठीक था,
आज सुबह के देखा तो सारा डेटा, सारे डीएनए सैंपल्स यहाँ कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास उस रिपोर्ट की दूसरी कॉपी नहीं है और हम वो टेस्ट भी दोबारा नहीं कर सकते? नो मैन, आई एम रियली सॉरी, सारे सैंपल्स कंटेमिनेट हो चुके हैं। यार पर तुम्हारे यहाँ कुछ तो सिक्योरिटी होगी, सम सीसीटीवी और समथिंग। यू नो दैट्स द थिंग, सीसीटीवी कैमरास की सारी फुटेज भी इरेज हो चुकी है। आई हैव नो क्लू यहाँ कौन आया था। ऑल आई नो इज दैट एज ऑफ नाउ वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ओके बट दिस इज क्रिमिनल, हम इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। एक चीज तो साबित कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी क्या करेंगे। She is right. अरे लेकिन सबूत के साथ छेड़छाड़ करना जुर्म है, और कल रात को उन्होंने हम पे हमला किया वो अलग। हाँ कानून तो है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस था इस बात का अब कोई सबूत नहीं है। मतलब is it all over? एक कोशिश अब भी बाकी है जो सिर्फ रोमेश ही कर सकता है। तुमसे मिलना या बात करना मुझे मुसीबत में डाल सकता है, यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ भी है। जानता हूँ, बस दो मिनट। What is it? तुम्हें तो पता होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे तुम सब लोग बहुत बुरी तरह फंस सकते थे, पर अब वो सबूत है नहीं, गायब कर दिए गए हैं। रमेश, I don't want to fight. I've not come here to fight, Riya. In fact, मैं तो कुछ मांगने आया हूँ। कल अदालत में बयान देने की बारी तुम्हारी है। सच कह दो रिया, तुम उस दिन ऑपरेशन थिएटर में थी, तुमने अपनी आंखों से सब देखा है, सब सुना है, तुम अकेली इस गुनाह की गवाह हो। मेरी आखिरी उम्मीद, प्लीज रिया, आई बेग ऑफ यू, गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जी सच कहूंगी। डॉक्टर रिया, आपको यहां किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। इस साल जून की 9 तारीख को जब अंकुर का ऑपरेशन हो रहा था, क्या उस वक्त आप ओटी में मौजूद थी? जी मैं वहां थी। ऑपरेशन के बाद उस बच्चे के साथ क्या हुआ था? डॉक्टर रिया, क्या हुआ था उस बच्चे के साथ बताइए। ऑपरेशन के बाद बोलिए डॉक्टर रिया, बोलिए। ऑपरेशन के बाद अंकुर के लंग्स कोलैप्स हो गए थे। Your Honor, the defense would like to move for a motion of dismissal. ये केस शेखावत जनरल हॉस्पिटल की इमेज को बेवजह खराब कर रहा है और डॉक्टर अस्थाना जैसे बिजी और इंपॉर्टेंट सर्जन को अपने काम से दूर रख रहा है। This is nothing but a waste of public money. क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास अब कोई और गवाह नहीं है और वो ये भी साबित नहीं कर सके कि मास्टर अंकुर अरोरा की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई, इसलिए मैं डिफेंस की बात मानते हुए इस केस को डिसमिस करता हूं
The case of Aurora versus Shekhawat General Hospital stands dismissed. Riya, what is this? तुम इंटर्नशिप बीच में छोड़ के जा रही हो? जी सर। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए? बदले में क्या नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए? इस हॉस्पिटल का टॉप सर्जन बना सकते हैं तुम्हें। तुमने जो एहसान किया ना हम पे, वो एहसान? कैसा एहसान सर? झूठ बोला है मैंने? गद्दारी की है अपने प्रोफेशन से? मैं भी नहीं रह सकती इस बोझ को। मैं बोझ? व्हाट बोझ? व्हाट? क्या गुनाह किया तुमने? क्या गलत किया? गलत मैंने नहीं सर, हमने। यार हमने सिर्फ एक गलती की है रिया, सिर्फ एक। उसका इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और गलती की भी तो क्या हुआ? कैसे इंसान गलती करता है? हाँ, भगवान नहीं करता, फिर भी हम उनके सामने माथा टेक देते। I'm just fed up with this nonsense. लेकिन आप भगवान नहीं है सर। I am God. मौत के मुंह से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुलाना था। मुझमें उतनी शक्ति जितनी उसमें है। अगर मेरी एक गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए तो उसे क्यों बख्शते हो? हा? मैं तो सिर्फ एक ट्यूब का इस्तेमाल करना भूल गया था, चंद बिस्किट पेट से निकालना भूल गया था, तो मैं गुनेगार हूं। और वो जो लाखों बच्चों को पैदा करने से पहले ही मार देता है और पैदा करता है तो फिर अपाहिज लूला लंगड़ा कहूंगा? कोई हिसाब नहीं उसका? क्यों बख्शते हो उसको? भगवान है वो। तुम्हारा भगवान जब लोगों को तकलीफ देता है, बीमारी से पीड़ित करता है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूं। सो इफ इज गॉड देन आई एम अ ब्लडी डॉक्टर। आई एम एज पावरफुल एज योर सो कॉल्ड गॉड। हजारों गुनाहों के बावजूद अगर वो गुनेगार नहीं है तो एक गलती की वजह से मैं भी गुनेगार नहीं हूं। सो यस गॉड डैम इट आई एम गॉड। Get that clear! I am God! Fine, sir. आप अपने आप को अगर भगवान मानते हैं तो शौक से मानिए, पर इस वक्त मुझसे एक इंसान बनना मुश्किल हो रहा है। थैंक यू एंड गुड बाय। नमस्ते डॉक्टर। अरे आप वही डॉक्टर हो ना जो टीवी पर
नीचे मुंह से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुलाना था। मुझमें उतनी शक्ति जितनी उसमें है। अगर मेरी एक गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए तो उसे क्यों बख्शते हो? मैं तो सिर्फ एक चुप का इस्तेमाल करना भूल गया था, चंद बिस्किट पेट से निकालना भूल गया था, तो मैं गुनेगार हूँ। और वो जो लाखों बच्चों को पैदा करने से पहले मार देता है, तुम्हारा भगवान जब लोगों को तकलीफ देता है, बीमारी से पीड़ित करता है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूँ। सो ही इज गॉड, आई एम अ ब्लडी डॉक्टर। डॉक्टर नॉट नाउ, लेटर। सिर्फ दो मिनट डॉक्टर, प्लीज गो। हेलो, हाँ डॉक्टर अस्थाना बोल रहा हूँ, साहब को फोन दे। जी साहब, साहब डॉक्टर अस्थाना का फोन है। साहब बाथरूम में है सर। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने साहब को बोल देना सब समझ गया मैं। कायर्स रस्ताना, आपका नाम वारंट है। डॉक्टर रिया विल प्लीज स्टैंड। डॉक्टर रिया ने अदालत में खाई अपनी कसम को तोड़ा, अदालत से झूठ बोला। यह उनका एक तरीका था सच को सबके सामने पेश करने का। यह अदालत उनकी नीयत की कदर करती है, क्योंकि उन्होंने अदालत में गीता पे हाथ रख के झूठ बोला। यह अदालत उन्हें 20,000 जमा करने का हुक्म सुनाती है। शिखावत हॉस्पिटल इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यह अदालत आज ही के दिन दिसंबर 12 तारीख सन 2012 शिखावत हॉस्पिटल को यह हुक्म देती है कि वो अंकुर अरोरा की मां को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा अगले 15 दिनों में अदा करे और डॉक्टर अस्थाना को अंकुर अरोरा की मौत के लिए दोषी ठहराती है और उन्हें धारा 304 के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। सब कुछ जैसे ठहरा हुआ है, थम गया है पल वहीं पे तू जहां रुकी, खुद में ऐसे तू खो गई है, अब तुझे मेरा कोई ख्याल ही नहीं। जिंदगी संभल जा तू, थोड़ी सी बदल जा तू, रहम
भी वो ही क्यों नहीं, जैसी तेरी सूरत वैसी सीरत क्यों नहीं।